हेलो फ्रेंड्स, आज वीडियो रे आम जानवा कमनली यूज होता किसी इंजेक्शन विषय दस टू बारटा इंजेक्शन विषय आज आम जानवा जोटा कि आम कमनली यूज करम डेली लाइफ रे यूज होता है आउ इंजेक्शन को टाइम रे दिखाई थाए ता विषय भी जानवा इंजेक्शन मानकर जो यूज अच्छी ता विषय जानवा केमी दिया हुए ता विषय भी जानवा डोज कौन साइड इफेक्ट कौन सब जिनस जानवा। फ्रेंड्स मैंने जदि आप चैनल नुआ आनेल को सब्सक्राइब करनी मेडिसिन रिलेटेड जानकारी पाइबापी तो सबुठ फास्ट आम जाणिनबा पारासीटामल इंजेक्शन विषय जोटा कि आप फोटो देखिपार तो यही पारासीटामल इंजेक्शन टा दिखाई था जो टाइम ज्वर आए यहाँ तो समस्ते जाथे तो ज्वर को ठीक करने पारासीटामल इंजेक्शन टा पेसेंट को दिया था जो टाइम आपंक बॉडी टेम्परेचर बढ़ी जाइए आपण को ज्वर सही टाइम रे पारासीटामल इंजेक्शन पेसेंट को दिया है था। तो फ्रेंड्स ए 2 ml इंजेक्शन रुहे जो थे कि 150 mg पारासीटामल थाए जोटा कि आईएम दिखाई था पेसेंट को केबे भी यही इंजेक्शन को आई भी दिया हुए नी आईएम पेसेंट को दिखाई था अंटार इंट्रामस्कुला दिखाई था आउ यही इंजेक्शन को आप दिन को दिथर कि तीन थर पेसेंट को लगे पारे किपर आर किसी साइड इफेक्ट न थाए बहुत भल इंजेक्शन किसी साइड इफेक्ट न था जदि कौन व्यक्ति को साइड इफेक्ट हम से जगार रेडनेस जो जगार इंजेक्शन दिखाई से जगह कुंडे हम से जगार टी पेन हम यहीटा हूँ यार कमन साइड इफेक्ट। नेक्स्ट जानवा फेबास्टिन इंजेक्शन विषय तो फ्रेंड्स मैंने ये भी आर कंपोजिशन हूँ पारासीटामल एंड लिग्नोकेन तो यहीटा कौन कर कि जो ज्वर अच्छी तासे तो आपको बॉडी पेन हो गोड़ हाथ पेन ताकु कम करें आमर पारासीटामल ज्वर को कम कर जो ए लिग्नोकेन रोचे से गोटे आनास्थेसिया टाइप आम गोड़ हाथ बॉडी पेन ताकु ठीक करें तो ये भी जो आम पारासीटामल रोचे 150 mg थाए 150 mg थाए यहीटा को भी जो टाइम ज्वर होता है दिखाई था लोकं यहाँ अधिका एडल्ट यूज होता है मैंने 18 वर्ष रू बड़ लोकों पर यूज होता है आ जो पारासीटामल अच्छी से छोट छुआ को भी देपारे जमीक 6 मास गोटे वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष सब समस्त को देपारे आ लिग्नोकेन जोटा अच्छी आम फेबास्टिन जोटा अच्छे से बड़ लोक दिया हुए जमी 2-4 वर्ष होगापर ही पेसेंट को दिखाई थाए तो आर भी डोज सेमी आप दिनक 2-3 थर पेसेंट को देपारे तो यही दुटा इंजेक्शन गला यहाँ भी आईएम ही दिया हुए केबे भी आई भी दिया हुए नहीं दुटा इंजेक्शन भी ज्वर पर गला ठीक अच्छे जो टाइम ज्वर होता है यही दुटा भितर कौन गोटे इंजेक्शन आपड़ पेसेंट को देपारे। नेक्स्ट जानवा आम पेन किलर विषय जो टाइम पेसेंट को पेन होता है सही टाइम को इंजेक्शन दिखाई थे ता विषय जानवा से टाइम आपपारे पेसेंट को डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन ठीक अच्छे ये रुहे आमर डाइक्लोफेनाक 75 mg गोटे 1 ml 75 mg डाइक्लोफेनाक था सेटा को भी आईएम दिया हुए गोटे गोटे आईवी दिया हुए लेकिन सेटा फ्लुइड रे मिसे की दिया हुए केबे भी डायरेक्ट आईवी डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन दिया हुए नहीं नॉर्मल तो आईएम ही पेसेंट मान को दिया है था। तो नेक्स्ट जानवा जो टाइम आपन को पेन हो कि आपण बॉडी रे पेन हो कि खंडिया हो जाए किंबा आपण एक्सीडेंट हो जाए बहुत पेन हो टाइम आपण यही डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन को यूज करेंगे यहाँ गोटे पेन किलर इंजेक्शन। नेक्स्ट जानवा साइड इफेक्टर विषय यार साइड इफेक्ट हूँ आपण को नोजिया वोमिटिंग होपे से जगार पेन हो पाए कि आपण को एसीडिटी गैस प्रोब्लेम हो पाए नॉर्मली तो किसी साइड इफेक्ट न थाए तो आपण यही इंजेक्शन को दिनक 2 थर कि 3 थर मैक्सिमम देपारे। नेक्स्ट जानवा आम ट्रामाडोल इंजेक्शन विषय यहाँ गोटे भी पेन किलर इंजेक्शन जो टाइम आम डायनापार जोटा डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन काम करूनी से टाइम आप ट्रामाडोल इंजेक्शन देपारे यहाँ गोटे बहुत पावरफुल इंजेक्शन जो टाइम डाइक्लोफेनाक पेसेंट पेन कमुनी से टाइम पेसेंट को ट्रामाडोल इंजेक्शन देपारे। तो इच एथे रुहे 2 ml एम्पुल आसे जो थे 100 mg ट्रामाडोल रोच यू आप आईवी किंबा आईएम देपारे जो टाइम आईवी दिया हुए सही टाइम आप डायल्यूट करेंगे किंबा फ्लुइड रे मिसेकिपारे आदि डायरेक्ट देवे पेसेंट को पेन हम कि नोजिया वोमिटिंग हम ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट जाणिनबा साइड इफेक्टर विषय यार कमन साइड इफेक्ट हूँ नोजिया वोमिटिंग होपे पेसेंट को किंबा एसीडिटी हार्ट रेट बढ़ीपे
किंबा से जगार पेन हो पारे आर हूँ यहाँ कमन साइड इफेक्ट कि पेट पेन हो पारे जदि खाली पेटर दूसरी पेट फैन फैन हो पारे यहाँ किसी आर कमन साइड इफेक्ट। नेक्स्ट आम जाना आउ गोटे इंजेक्शन विषय एसीडिटी गैस को ठीक करुवा गोटे इंजेक्शन विषय जाना तो जाना पान फुटी इंजेक्शन विषय जोटा कि पांटोप्राजोल इंजेक्शन ना आपत जानते तो यही इंजेक्शन को जो टाइम एसीडिटी गैस प्रॉब्लम होता है से टाइम दिखाई थाए जदि आपण को बहुत एसीड हो जाए आपण को मुंड बिंधा होती हो कि छाती जलिला पोड़ा एमती लगुच से टाइम पान फोर्टी इंजेक्शन दिया हुए जो थे कि पांटोप्राजोल 40 mg थाए आउ यही इंजेक्शन को सबुबले आईवी दिखाई थाए के यही इंजेक्शन को आईएम लगा हुए ठीक अच्छे यहाँ आप मन रखु सबुबले पान फोर्टी इंजेक्शन को आईवी लगा हुए ठीक अच्छे। नेक्स्ट जाना आउ गोटे एसीडिटी गैस को ठीक करुवा इंजेक्शन विषय जोटा हूँ रानीटीडिन इंजेक्शन जो थे कि आर टैबलेट फॉर्म भी थाए तो रानीटीडिन इंजेक्शन भी पेशेंट को दिया जाए जो टाइम एसीडिटी गैस प्रॉब्लम होता है जो टाइम पेशेंट को पान फोर्टी इंजेक्शन भल रिजल्ट मिलूनी से टाइम आपड़ यूज करेंगे रानीटीडिन इंजेक्शन ये रोए रानीटीडिन 150 mg इच 2 ml कंटेंट 150 mg रानीटीडिन ठीक अच्छे। तो जो टाइम एसीडिटी गैस हुए से टाइम आपड़ इंजेक्शन को पेशेंट को लगे पारे आपको आईएम किंबा आईवी दीटा रूट लगे पारे पेशेंट को किसी असुविधा ना तो जेकोसी टाइप पेशेंट को जदि एसीडिटी गैस प्रोब्लेम होटा भितर आपसी गोटे इंजेक्शन पेशेंट को दे पारे आर्माली जब देखा आर किसी सैड इफेक्ट न थाए पान फोटी तो किसी भी सैड इफेक्ट जना पड़नी आज जाए जदि पेशेंट को रानीटीडिन इंजेक्शन आईवी लगाउंट से टाइम टी पेसेंट को से जगार पेन है टाइप लग जलिला पोड़ा टाइप रोटे गोटे पेशेंट को लगे यहाँ हूँ यार कमन सैड इफेक्ट आर्माल तो किसी सैड इफेक्ट न थाए। नेक्स्ट जाना आम नोजिया भोमिटिंग को ठीक करुवा गोटे इंजेक्शन विषय जोटा कि आप जानते अंडेम सेट्रन इंजेक्शन ना जोटा कि आप अंडेम इंजेक्शन ना भी शुणीदे के तो यहाँ आपन को मिल जाए मार्केट 4 mg किंबा 8 mg दीटा आर स्ट्रेंथ थाए गोटे 2 ml 4 mg रही आ गए 4 ml थाए जोटा कि 8 mg यहाँ आपन को जो बांति हो नोजिया भोमिटिंग ताकू ठीक करने अंडम सेट्रोन इंजेक्शन को यूज कराई थे ठीक अच्छे। आपन को जेकोसी टाइप भी बांति हो बांति बांति टाइप फील हो टाइम आपड़ अंडम सेट्रोन इंजेक्शन को यूज करें आपन को जो बांति अच्छे से ठीक हो तो यही इंजेक्शन को आप दिनक दिथर किंबा तीन थर कि मैक्सिमम 4 थर भी पेशेंट को लगे पारे ठीक अच्छे। आउ यही इंजेक्शन को आप आईवी भी लगे पारे कि आईएम भी पेशेंट को दे पारे दीटा रूट्रेपारे कौन रूट्रे दे भी किसी असुविधा ना यार किसी सैड इफेक्ट भी एमती किसी ना यहाँ कमनली यूज होता इंजेक्शन गुड़ा मुझे कौच यही इंजेक्शन किसी सैड इफेक्ट न थाए ठीक अच्छे। तापर नेक्स्ट आम जाना कमनली यूज होता गोटे मल्टीविटामिन इंजेक्शन विषय जोटा कि आप जानते ताकत सुजा कहीकि इंजेक्शन कहीकि गाँव लगा जो गाँव डॉक्टर गुड़ा थांती से माने ताकत आसवाप गोटे इंजेक्शन लगाती जार ना हूँ न्यूरोकाइंड जोटा कि आप फोटो देखिपुट न्यूरोकाइंड गोल्ड किंबा न्यूरोकाइंड प्लस ना इंजेक्शन को जानुथे तो यही इंजेक्शन को गोटे मल्टीविटामिन इंजेक्शन जो पेशेंट को वीकनेस लगु से पेशेंट को यही इंजेक्शन लगाई थाए तो यही इंजेक्शन को आप आईएम भी दे पारे कि आईवी भी पेशेंट को लगे पारे ठीक अच्छे। आ जो टाइम आईवी लगाऊंट से टाइम कौन हुए कि आप फ्लुइड मिसेक देते के डायरेक्ट आईवी लगे 100 ml NS कि 500 ml फ्लुइड डायल्यूट करके पेशेंट को लगे पारे यही इंजेक्शन को केवे भी डायरेक्ट आईवी लगा हुए आउ जो टाइम आईएम लगाई थाए से टाइम पेशेंट को टी पेन होता है जो जगार इंजेक्शन लगा हुए आउ यही इंजेक्शन को आप दिनक गोटे किंबा मैक्सिमम दिनक 2 थर लगे पारे अधिका दिया हुए यहीटा गोटे न्यूरोबियन इंजेक्शन जोटा कि वीकनेस को ठीक करने यूज कराई थाए। आउ गोटे मल्टीविटामिन इंजेक्शन विषय जाना MVI इंजेक्शन आपड़ शुणीथे केवे ना के MVI फुल फॉर्म हूँ मल्टीविटामिन इंजेक्शन जमी आप फोटो देखिपुटे यहाँ गोटे मल्टीविटामिन इंजेक्शन जोटा कि खाली फ्लुइड मिसेक लगा हुए केवे भी यही इंजेक्शन को आईएम दिया हुए कि डायरेक्ट आईवी दिया हुए
खाली 500 ml फ्लुइड रे डाइल्यूट करके दिया हुए 100 ml फ्लुइड रे भी कभी भी मिसे कि दियंतुनी 500 ml फ्लुइड रे NSO RLO DNSO जे कोनसी भी फ्लुइड रे आपण मिसे कि एही MBI इंजेक्शन को पेशेंट को देई परिबे ठीक अछि। एटा भी दिन को मैक्सिमम गोटे थरो ही दिया हुए। नेक्स्ट जानिबा हमें आ गोटे एंटीबायोटिक इंजेक्शन रे जोटा कि कॉमनली यूज होता है जहाँ ना होची जेंटामाइसिन। तो जेंटामाइसिन एथरे 2 ml रो गोटे एम्पुल आसे जोथरे कि आप 80 mg जेंटामाइसिन थाए जोटा IM किंबा IV दुटा रूट रे आप लगे पारे। जो टाइम रे कौन सी व्यक्ति को बैक्टीरियल इनफेक्शन होती स्किन रे हो किंबा आउ कौन सी इनफेक्शन हो जाए से टाइम रे यही जेंटामाइसिन इंजेक्शन को पेशेंट को लगा है थाए। आउ यही इंजेक्शन को आप IM किंबा IV दुटा रूट रे लगे पारे। आउ यही इंजेक्शन को आप दिन को दि थर दे पारे सका सन्धार दी थर रु अधिक दिया हुए नहीं यही इंजेक्शन को। तो गोटे यहाँ एंटीबायोटिक इंजेक्शन इनफेक्शन को ठीक करने यूज कराई थाए। तो जो टाइम इंजेक्शन को IM लगा हुए से जगार टी पेन हुए यहाँ हूँ यार टी पेनफुल प्रोसीजर IM लगे पेन हुए टी आ गोटे एंटीबायोटिक विषय जाणी सेप्ट्रिया जोन जोटा कि आप जोन इंजेक्शन ना जानती। तो यहाँ गोटे भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन यहाँ भी बैक्टीरियल इनफेक्शन को ठीक करने यूज कराई थाए। तो यही इंजेक्शन को अधिका गाँव में किंबा अधिका क्लिनिक रे यूज हुए नहीं अधिका हॉस्पिटल रे यूज होता है। तो मुझको जनई दौची एटा नॉर्मली अधिका टाइम IV दिया हुए IM भी दिया है थाए लेकिन अधिका IV ही यूज करा हुए। यार कमन साइड इफेक्ट हूँ नोजिया वोमिटिंग हो पारे से जगह आपको पेन हम ठीक अच्छे। तो यही इंजेक्शन को भी आप दिन को दु थर लगे पारे सका सन्धार ठीक अच्छे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ था किसी कमनली यूज होता एंटीबायोटिक इंजेक्शन विषय में डिटेल्स वीडियो। जदि आपन को वीडियो भल लगे लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।